जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई हुई है। ये साल किंग खान के लिए एक बड़ा साल साबित हुआ है और जनवरी में आई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने भी सिनेमा घरों को हाउसफुल बनाया था। पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था। जवान जिस हिसाब से अपना कलेक्शन कर रही है उस हिसाब से जवान के भी 1000 करोड़ कहीं नहीं गए। 3 दिनों में जवान ने भारत में 202.73 करोड़ की कमाई की है। जवान को जन्माष्टमी पर रिलीज होने का काफी फायदा मिला है। पठान ने पहले दिन भारत से 75 करोड़ रुपए की कमाई की क्योंकि रिलीज के दूसरे दिन वर्किंग डे था। अनुमान भी लगाया गया था कि रिलीज के दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आ सकती है। हिंदी, तमिल और तेलुगु से फिल्म ने भारत से 53 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म ने हिंदी भाषा में दूसरे दिन ही 86 करोड़ रुपए कमाए और जवान ने रिलीज के तीसरे दिन भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि फिल्म ने तीसरे दिन में 74.5 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक कलेक्शन किया, यानी जवान ने 3 दिनों में भारत में 202.73 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो पठान ने तीसरे दिन पर 38 करोड़, KGF 2 ने 43 करोड़ और बाहुबली 2 ने 46.5 करोड़ और वहीं गदर 2 ने 51.7 करोड़ कमाए। जवान ने इन चारों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, जवान ने तीसरे दिन पर 68.72 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड वाइड जवान ने डोमेस्टिक कलेक्शन में कुल 5 रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार हैं। जवान एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। जवान ने पहले दिन में 75 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं पठान ने 70 करोड़ की कमाई की थी। पहले 3 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी पठान, जिसने 3 दिनों में 166.5 करोड़ की कमाई की थी। और जवान ने अब पठान को पीछे छोड़ते हुए 3 दिनों में 202 करोड़ रुपए की कमाई की है। साउथ बेल्ट में जवान सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। जवान ने दुनिया भर में 384.69 करोड़ की आसपास का कलेक्शन किया है। उम्मीद है कि जवान और कई रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। जवान वैसे ही फैंस के दिलों पर राज कर चुकी है।